नमस्कार सभी साथियों, गुड न्यूज़ है कि कल सोमवार है, कल से हमारे जिम खुलने वाले हैं। डिसास्टर मैनेजमेंट ने जो अपनी रोक लगाई हुई थी वो हटा ली है, अब हमारे जिम जो है स्मूथली खुल सकते हैं कंटेनमेंट जोन को छोड़ के। साथियों, मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो जो इस मुहिम में हमारे साथ था सबका, और जो हमारी टीम है इंडियन जिम वेलफेयर फेडरेशन की, उनके कुछ साथियों का मैं नाम लेना चाहता हूँ। लिस्ट बहुत लंबी है, किसी का नाम रह जाएगा तो दिल पे मत लेना, कभी किसी का नाम रह जाए गलती से, मैं सबके नाम लूँगा। सबसे पहले मैं अपनी टीम IGWF का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे लक्की वासन जी हैं, पहले दिन से साथ हैं, मंजीत कौर है, वीर बहुत, गौरव सानी, हर्षित पांडे, रघु वर्मा, सन्नी वर्मा, दीपक गब्बर, कुलवंत, आर्यन, पूरी हमारी टीम ब्लैक, सुमित है, रूपल नंदा, दीपक नंदा, गगन नंदा, ऐसे अनेकों नाम है जिन्होंने बढ़ चढ़ के साथ दिया है पहले दिन से अब तक। हमारे साथ थे गुरप्रीत बत्रा जी हैं, पायल मदान हैं, नरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, गौरव अरोड़ा हैं, माइंड टू सोल वाले, ऐसे बहुत लोग हैं। जैसे दूसरी हमारी एक टीम है, एसोसिएशन है, डीजे, उनके प्रेसिडेंट भूपेंद्र शर्मा जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चिराग सेठी जी का, पुनीत निंद्रा जी का, हरमीत जी का, रीटा जी का, बंटी का, संदीप कौशल, दीपक चंदेलिया, गौरव सानी, ऐसी बहुत सी टीम है, मैं नाम याद कर रहा हूं, आप देख रहे होंगे वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरा सीधा क्लियर कट मैसेज है कि पूरी दिल्ली की जिम इंडस्ट्री को इंडियन जिम वेलफेयर फेडरेशन की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और जो साथी साथ आए थे जिन्होंने इस मुहिम में हमारा साथ दिया था, सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हर तरीके से। किसी भी सदस्य का नाम रह जाता है तो वो बुरा ना माने, जिसका नाम ध्यान आ, जैसे अब आर्यन का नाम मुझे ना ध्यान आया नाम, हमारे रवि गिल हैं, कुलदीप है, अभी रूप है, बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम याद आते जाएंगे, मैं बोलता जाऊंगा, जरूर बोलूंगा जिस जिसके ध्यान आते रहेंगे, बस वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। लेकिन इंडियन जिम वेलफेयर फेडरेशन, आप सबका बहुत बहुत दिल से बारी बार आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं पुनः पुनः धन्यवाद करता हूँ। और मैं एक मैसेज छोटा सा देना चाहता हूँ अपनी दिल्ली की जिम इंडस्ट्री को कि साथियों, इस 6 महीने के अंदर बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया होगा आप सभी लोगों ने, बहुत लोग साथी कर्जे में आगे होंगे, बहुतों का फाइनेंशियली सिस्टम बिगड़ गया होगा, लेकिन मैं दुआ करता हूं कि आप सब लोग मेहनत करके अपनी प्रॉब्लम्स को जल्दी जल्दी सॉल्व कर लोगे। और आप घबराना मत, क्योंकि जो 6 महीने का जो टफ टाइम था, आने वाला टाइम उससे अच्छा होगा। और मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अपने जिमों को अच्छे से चलाना, पहले से ज़्यादा मेहनत करनी है सभी साथियों ने, टाइम से जिम खोलना है, टाइम से जिम बंद करना है, और क्लाइंटों का बिल्कुल ध्यान रखना है, और गाइडलाइन जो है उसका पूरा प्रॉपर हमने पालन करना है, क्योंकि अभी ट्रायल बेसिस पे है ये, अगर इनमें कोई कोई केस बढ़ जाते हैं जिम की वजह से या कुछ, ऐसा होगा नहीं वैसे, क्योंकि एक भी केस बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो हमारे जिम जो अच्छे से चलेंगे अगर हम अच्छी मेहनत करेंगे, क्लाइंट अभी कम है, ये बात हमें माननी पड़ी, क्लाइंट कम है, लेकिन हमें मेहनत ज़्यादा करनी है कि क्लाइंट का ध्यान रखना है। इसके लिए आप सभी भाई अपने स्टैंडर्ड प्राइस रखना, प्राइस को ज़्यादा कम ना करके एक स्टैंडर्ड रखना, ना कम ना ज़्यादा, और अपनी क्वालिटी पे हम सब भाइयों को ध्यान देना है, जिससे कि हम कम मेंबरों से भी अपना गुजारा जो है, सर्वाइवल पीरियड जो हमारा चालू हो गया जिम का, अभी तो हम सर्वाइव कर रहे थे, हमारी फैमिली सर्वाइव कर रही थी, अब हमारा जिम सर्वाइव करेगा, सर्वाइवल पीरियड चलेगा,
कम से कम ये लगा के चलो कि दिसंबर जनवरी फरवरी तक ये प्रॉब्लम रहेगी, इसी तरीके से हमारे क्लाइंट्स कम रहेंगे, क्योंकि अब दिवाली आ जाएगी कुछ दिनों बाद, हमारा ऑफ सीजन स्टार्ट हो जाता है दिवाली से ही, तो इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर चाहिए होंगे। एक तो मेंबर ऑलरेडी वैसे ही कम है, कोरोना की वजह से डर के मारे नहीं आएंगे, दूसरा फिर दिवाली आ जाएगी, फिर शादी ब्याह स्टार्ट हो जाती है। तो साथियों बहुत मेहनत करनी है आप लोगों ने, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, अच्छे से मेहनत करनी है, ईमानदारी से काम करना है और पहले से ज़्यादा मेहनत करनी है। मेरा बस ये कहने का मतलब है, इंडियन जिम वेलफेयर फेडरेशन की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी पूरी टीम, लक्की बासन जी हैं, मैं हूँ, गुरप्रीत बत्रा जी हैं, पायल मदान है, रूपल नंदा है, दीपक गब्बर, रघु वर्मा, सन्नी वर्मा, गगन नंदा, जितने भी हमारे मेंबर हैं, संदीप कौशल, दीपक चंदेलिया, है ना, जितने भी जो टीम के मेंबर हैं IGWF के, सब आपके साथ हैं। इंडियन जिम वेलफेयर फेडरेशन हर तरीके से आपके साथ खड़ी हुई है और आने वाले समय में और भी बहुत से मुद्दे होंगे, उसके लिए हम लोग दोबारा से एक मुहिम चालू करेंगे, चाहे वो GST की हो, चाहे वो लाइसेंस की MCD वाले की प्रक्रिया हो, उसके लिए हम लोग सरल प्रक्रिया हो उसके लिए काम करेंगे। हमारी जिम इंडस्ट्री एसेंशियल सर्विस के अंदर आए इसके लिए हम काम करेंगे, GST हमारा कम हो जाए, ऐसे बहुत से काम हम करेंगे, उसके लिए अलग से हम लोग एक मुहिम चलाएंगे। लेकिन साथियों अभी फिलहाल आप लोग अपने जिम पे ध्यान देना, अच्छे से जिम चलाना। जय हिंद, जय भारत, सभी को मुबारक हो, किसी भाई का नाम रह गया हो तो मुझे माफ़ करना, लेकिन सभी को मुबारक हो दोस्तों, सभी को, एवरीवन, थैंक यू।